नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ANC इंडिया। सबसे पहले अपने दर्शकों का अभिवादन करते हुए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस अवसर पर मैं अपनी मातृशक्ति को, महिला शक्ति को नमन करता हूं और पूरे जो विश्व की महिलाएं हैं उन सभी को इस दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ। और साथ ही आज जो खबरों में खबर, आपकी खबर का जो कार्यक्रम है उसमें जो आपकी खबर है वो मैं लेकर के आया हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से। और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेहरू नगर के सब्जी मंडी स्थित DDA के पार्क में, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के जो इस वार्ड के जो निगम पार्षद हैं और दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष हैं मिस्टर आदेश गुप्ता, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और आप देख सकते हैं कि घर घर से कूड़ा संग्रहण करने की जो प्रबंधन की जो योजना है आज उसका शुभारंभ किया गया है। आप सामने देख सकते हैं ये जो गाड़ियां हैं, इस तरह की 16 गाड़ियां जो है आज इनका शुभारंभ किया जाएगा और उसी के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कार्यक्रम के अंदर, और जहाँ इस समय आदेश गुप्ता जी जो है जनता को समर्पित कर रहे हैं ये 16 गाड़ियाँ और इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। महिला दिवस, जैसा कि हर वर्ष महिला दिवस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भाई राजेश गुप्ता जिंदाबाद, भाई राजेश गुप्ता जिंदाबाद, खेल बिहारी गोस्वामी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से UDF स्कीम में ये गाड़ियां कम्पैक्टर, हर वार्ड में एक कम्पैक्टर लगाने का जो पैसा दिया है, जिसके कारण से निगम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगभग 4,800 मीट्रिक टन कूड़ा उठता है, पूरी दिल्ली की नगर में दिल्ली नगर निगम 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन घरों से उठाता है। बड़ा एक काम हुआ है, मैं MCD को और जितने हमारे निगम पार्षद हैं, निगम के अधिकारी, उनको बहुत बधाई देता हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया है, वो स्वच्छ दिल्ली भी बनेगा, स्वस्थ दिल्ली भी बनेगा और कूड़ा दिल्ली भी बनेगा। बहुत धन्यवाद सर। सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन नारी शक्ति और महिला शक्ति, आज का ही आज
हमारे प्रधानमंत्री की सोच और उनके दिशा निर्देशन में हर दिन महिला दिन बस बन गया है। नॉर्थ एम सिटी के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के स्वच्छता और साफ सफाई के अभियान को लेकर कि नया प्रयास किया कि एक वार्ड के अंदर 16-16 गाड़ियां लगाई जा रही हैं, तो इससे हमारे दिल्ली का, हमारे वार्ड का, हमारे क्षेत्र का कितना सफाई का काम और आसान होगा। और इसके अंदर जैसे हमारे आदेश जी ने बताया कि गाड़ी का इसमें एक सेंसर लगा हुआ है और गाड़ी के वहाँ ऊपर एक नंबर भी है, अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो शिकायत उस फोन पे दर्ज करा सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। मैडम, आपके कार्यक्रम को लेकर मैं कहती हूँ, मैं अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, इसलिए कि ये काम महिलाओं से जुड़ा है। जो स्वच्छता का काम है, महिलाएं सुबह उठती हैं, घर में जब कूड़ा होता है तो महिलाओं को भी फेंकने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मैं आज इस महिला दिवस पर जो अध्यक्ष जी ने हमारे को गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस भी है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है, तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का दिन क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आपके दो शब्द। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को आज के दिन का आशीर्वाद देना चाहूंगी, साथ साथ मैं उनके सम्मान पे उनको बधाई देनी चाहूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और साथ में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाई आदेश गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज 16 कूड़े की गाड़ियां हर वार्ड में मुहैया करवाई हैं, जिसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग तरह से डाला जाएगा। जब हर वार्ड में 16 गाड़ियां कूड़े की घूमेंगी तो आप सोचिए कि कहीं भी वार्ड में कूड़ा नहीं रहेगा, खासकर जहाँ गलियां हैं छोटी छोटी, वहां पर अलग से छोटी गाड़ियां उन्होंने उपलब्ध करवाई हैं। अब हमारे वार्ड में पटेल नगर विधानसभा में और नरेला वार्ड में हर जगह पे हमें गाड़ियां मिलेंगी, जिससे हम कूड़े को उसकी सही जगह पे पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छेल बिहारी जी, जो कि नारायणा वार्ड से निगम पार्षद हैं और इस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता हैं। तो छेल बिहारी जी, आपका हमारे चैनल एएनसी इंडिया में बहुत स्वागत है, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, आज के जो ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ इस नेहरू नगर इलाके में जो है 16 जो गाड़ियों की जो लोकार्पण हुआ है उनका, तो उसके अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ की जनता को, हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का सपना है कि स्वच्छता, जो लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का जो अभियान देश को देते हैं और स्वच्छता का अभियान वो सफल भी होता है, तो यहाँ देश की दिल्ली, इस देश की राजधानी है, देश का दिल है, यहाँ दिल्ली के अंदर अगर साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से ना हो तो फिर उनके आह्वान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसी दिशा के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम जो अच्छे एक अच्छा प्रयास कर रही थी, लगातार 15 साल से जनता की सेवा कर रही थी साफ़ सफाई को लेकर, उसी में एक अलग से प्रयास कराए, अभी तक एक वार्ड के अंदर 3 गाड़ी चलती थी जो कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन करती है। अब हम भाजपा शासित नगर निगम हैं, आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो इस वार्ड के निगम पार्षद भी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्य किया है कि 3 से बढ़ाकर हमने 16 गाड़ी कूड़े की करी हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगी। इसी प्रकार से हम हर वार्ड के अंदर कॉम्पैक्टर लगा रहे हैं, जिससे कि कूड़ा बिल्कुल भी कहीं गंदगी नज़र ना आए। पहली बात तो घर से ही निकल जाएगा कूड़ा, और सूखा और गीला इसके अंदर प्रोविज़न रखा है गाड़ी के अंदर। आप अंदाज़ा लगाइए, 3 गाड़ी जहाँ वार्ड में घूमती थी अब 16 गाड़ी घूमेंगी, उसके साथ साथ 5 ई रिक्शे घूमेंगे और उसके साथ साथ जो साइकिल रिक्शा होते हैं, रेड़े होते हैं, वो घूमेंगे, तो उससे निश्चित तौर पे सफाई के अंदर बहुत अच्छा एक लोगों के अंदर सहूलत मिलेगी और लोगों का बहुत अच्छा एक सेवा मिलेगी। सर, आज महिला दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी बहनों को, हमारी माताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और नारी शक्ति हमेशा पूजनीय होती है, देवी का स्वरूप होती है, हम हमेशा ही हमेशा उनको पूजते हैं और आज विशेष तौर पे उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी निगम चुनावों को लेकर के दो शब्द।
देखिए आगामी निगम चुनाव जो भी होगा, जो भी समय तय होगा, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा, ये सब उनके ऊपर विषय है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जब चुनावी बिगुल बजेगा तो हम निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत धन्यवाद सर, ANC इंडिया की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे किस तरह से जो दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस वार्ड के जो है वो निगम पार्षद हैं आदेश गुप्ता जी, उनके द्वारा यहाँ पर 16 कूड़े की गाड़ियों का जो आज लोकार्पण किया गया जनता के लिए। और इस खबर के साथ ही मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी अगली खबर के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।